एवरीवन, वेलकम टू माउथ लेवल कैली। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पे रखा आटा, जिसमें कि हमने डाल दिया है जीरा, नमक और ऑयल डाल दिया है हमने 2 टेबल स्पून। अभी हम इसमें थोड़ा अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे इसको, ताकि ऑयल पूरे मिक्स हो जाए हमारा। ये हमने अपने आलू तैयार कर रखे हैं। इनमें हमने नमक, मिर्ची, प्याज और मटर और पनीर डाल के इन्हें ऑलरेडी मैश कर लिया है। अभी हम अपने आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक डो बना लेंगे। हमें इसका बिल्कुल नरम डो बनाना है, जिससे कि पराठा बेलने में आसानी रहे। अगर आपके डो ज़्यादा टाइट रहेगा तो फिर आपके पराठे फट सकते हैं। डो रेडी हो चुका है, अब हम इसे 10 मिनट के रेस्ट करने के लिए रख देंगे। चुका है, अब हम इसके पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक आटे की एक बॉल में अभी हम थोड़ा सा आलू की फिलिंग भर रहे हैं अपनी, और अब इसको सील कर लेंगे हम। अच्छे से सील करने के बाद अब हम इसको थोड़े से आटे के साथ रोल कर लेंगे। हमें पतले पतले पराठे बेलने हैं ताकि सॉफ्ट बने। हमारा तो गर्म हो चुका है, हमारा पराठे बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब हम उस पर अपना पराठा डाल देंगे। अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से अच्छे से। अब अपने पराठे पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसको सेकेंगे। एक साइड से ऑयल लगाने के बाद इसे पलट लेंगे और इसको दूसरी साइड से भी ऑयल लगा लेंगे इस पर। और इसको मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। इसी तरह हम अपना दूसरा पराठा भी बना लेंगे। हो चुका है, अब हम इसे कैसे हटा देंगे। इस तरह अपने दूसरे पराठे को सेक लेंगे। हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। हमने ना तीखी चटनी, मीठी चटनी और गुड़ के साथ सर्व किया है। सर्दी का मौसम चल रहा है, इसलिए हमने साथ में गुड़ भी लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आप हमारे कोई भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।